हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स का अनबॉक्सिंग, और मैं आपको बताऊंगा भी मुझे कितने का आया। और एक्चुअली मैंने तीन फ़ोन बाय किया है, दो आईफोन 14 प्रो मैक्स, एक मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, और मम्मी के लिए मैंने किया हुआ है आईफोन 14 प्लस। तो मैं सब कुछ, सब डिटेल्स आपको बताऊंगा, मैंने कैसे बाय किया और कितने का मुझे आया सारे फ़ोन्स, और मैंने कैसे बाय किए तो वो भी मैं ज़रूर बताऊंगा। तो पहले कर लेते हैं मेरे, जो आज मैंने रिसीव कर लिया है मेरा फ़ोन, तो वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। तो मैं अलग वीडियो तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि और दो फ़ोन आने वाले हैं। मेरी वॉच का वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि वो जो नॉर्मल वॉच है, जो एप्पल की जो आती है, वो $399 की जो सब आती है नॉर्मल, वो तो हर बार मैंने ली हुई है। तो इस बार एक्चुअली मैंने वो अल्ट्रा वाले ली है जो नई आई है, तो वो जब आएगी तो मैं ज़रूर उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मेरे फ़ोन का मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, और मेरी वाइफ का और मेरे मदर का फ़ोन का मैं आपको सिर्फ डिटेल बता दूंगा कितने का आया, अदरवाइज तो सेम ही है। तो पहले करते मेरे फ़ोन का अनबॉक्सिंग। और गाइस, तो ये रहा मेरा फ़ोन जो आ चुका है, और ये है, आज ही उन्होंने डिलीवरी की एक्चुअली मेरे फ़ोन की। बेसिक चीजें दी हुई है, मैंने वो प्लग देना बंद कर दिया है एडेप्टर, अभी सिर्फ नॉर्मल सी चार्जर ही दे रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके से है, गाइस। तो अनबॉक्स हो चुका है और काफ़ी खूबसूरत है, मुझे कलर एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, जो डार्क पर्पल में इस बार जो कलर दिया हुआ है वो काफ़ी खूबसूरत है। मैंने हर बार ब्लैक और सिल्वर तो मैंने किया हुआ है, तो इस बार थोड़ा अलग कर लिया मैंने, काफ़ी शाइनी भी है। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसा कि आप कंपैरिजन कर सकते हो, एक जो है ये नया वाला है और ये पुराने वाला है, साइज़ वगैरह सब कुछ एकदम सेम है। ये अंदर फीचर्स काफ़ी उन्होंने चेंज किए हैं, और कैमरा भी इस बार उन्होंने ज़्यादा मेगापिक्सल का दिया हुआ है। ये मेरा पहला ग्रे में था और इस बार मैंने डार्क पर्पल किया है। ऑलराइट गाइस, तो अगर मैं मेरे फ़ोन की बात करूं, तो मुझे मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स 512 GB, ये मुझे गिरा है डीप पर्पल कलर, एंड इसका प्राइस मुझे आया है $1,399, मतलब ऑलमोस्ट $1,400 का मुझे आया है, प्लस टैक्स, मतलब 35 समथिंग डॉलर कुछ टैक्स भी लगा है मुझे, तो 1,435 आप समझ सकते हो।
1435 डॉलर का मेरा फ़ोन आया है, और इंडिया के डॉलर के हिसाब से अगर मैं गिनता हूँ तो कुछ 1,12,000 रुपए के हिसाब से मुझे मिला है। और मेरा जो भी ये वाला फ़ोन है, जो पुराना वाला जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आईफोन 12 13 प्रो मैक्स, तो वो मैंने ट्रेड इन किया है। तो मतलब मैं वो वाला फ़ोन मैं अभी उनको रिटर्न कर दूंगा, वो मेरा फ़ोन ले लेंगे। वो मुझे कुरियर से ही उनको भेजना होगा। वो मुझे एक किट भेजेंगे, उसके अंदर मुझे अच्छे से ये फ़ोन मेरा पुराना वाला रख के उनको वापस भेज देना होगा। तो ये जैसे फ़ोन तो मैंने रिसीव कर लिया, अभी वो वाला फ़ोन अभी वो लोग किट पहले मेरे को भेजेंगे और बाद में मैं उनको सेंड कर दूंगा। जैसे उनको फ़ोन मेरा मिलेगा तो मेरे अकाउंट से जो वो लोग ने प्राइस मुझे दी है वो है 720 डॉलर्स, वो लोग मुझे बैक कर देंगे, वापस दे देंगे। तो मतलब 1435 डॉलर में से 720 डॉलर माइनस हो जाएंगे। तो 1435 में से -720 अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे ये वाला फ़ोन गिरा 715 डॉलर्स में। और क्योंकि मेरे पास है एप्पल का क्रेडिट कार्ड, जो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला है मेरा एप्पल का क्रेडिट कार्ड, सब देख सकते हैं। तो मैंने इससे बाय किया हुआ है ये वाला फ़ोन। तो इसमें होता क्या है कि मेरी जैसे समझ लो कि क्रेडिट लिमिट है 5,000 डॉलर इसके अंदर, तो मैं जो भी बाय करता हूँ तो मुझे इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है, प्लस मुझे कैश बैक भी मिलता है। तो मुझे ऑलमोस्ट 35 डॉलर जो टैक्स लगा है समझ लीजिए, वो मुझे वापस कैश बैक मिल गया। तो 700 जो मैंने आपको बोला फिगर अभी, कि वो 720 डॉलर माइनस करने के बाद जो मेरे को फ़ोन गिरा था 715 में, वो वापस उसमें से 35 डॉलर और माइनस कर लीजिए, तो मेरे को एक्चुअली में ये फ़ोन गिरा है पुराना देने के बाद 680 में। और अभी ये जो पैसे है, ये डॉलर जो है, मतलब वो वापस मैं इंस्टॉलमेंट में ही पे करूँगा। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कितना हर महीने अभी आएगा इसका। तो हर महीने मुझे भरने होंगे 28 डॉलर एंड 29 सेंट। ये होते हैं कुछ 2 साल के लिए, पर ऑब्वियसली अभी ये नेक्स्ट ईयर वापस जो नया आएगा तो ऑब्वियसली वो लेना है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी भर दूँ, मतलब ऑब्वियसली भी 30 डॉलर है, मतलब 60 डॉलर के हिसाब से भर दूँ तो 1 साल में मैं भर दूँगा। तो मैं नॉर्मली 50 डॉलर, कभी 40 डॉलर कुछ भी पे करता रहता हूँ। तो 1 साल के पहले ही एक्चुअली में मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो बस इसका ये है। और दूसरा फ़ोन है जो मैंने मेरी वाइफ के लिए लिया है, वो भी सेम है, आईफोन प्रो मैक्स, लेकिन उसका है सेम कलर, डीप पर्पल। और उसका मैं लिया है 128 GB, क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वो ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती, तो उसने उसको चाहिए सिर्फ 128 GB उसको चाहिए था, तो उसका वो वाला ऑर्डर किया है। और उसका मुझे प्राइस गिरा है 1,099 डॉलर, मतलब 1,100 डॉलर का उस मेरे को वो पड़ा है। और उसके पास पहले था फ़ोन iPhone 12 Pro Max, वो वाला यूज़ कर रही थी, तो उसके मुझे 350 डॉलर वापस मिल रहे हैं। तो 1,100 में से 350 मेरे उसके लिए माइनस हो जाएंगे। तो उसका फ़ोन मुझे गिरेगा कुछ 750 में। अभी उसका फ़ोन मैंने मेरे कार्ड से नहीं लिया है, क्योंकि मेरे कार्ड से मैंने ऑलरेडी मेरा लैपटॉप वगैरह बाय किया था अभी एप्पल का, और ये वाला फ़ोन भी ले लिया, और मेरी घड़ी भी आ रही है, तो इसलिए मैंने उसका फ़ोन लिया है मेरे नेटवर्क प्रोवाइडर से, जो टी मोबाइल करके, जैसे इंडिया में हमारे कई सारे रिलायंस वगैरह सब बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वैसे यहाँ पे मेरा टी मोबाइल मेरा नेटवर्क है, तो उनसे मैंने ये फ़ोन लिया है। तो वो सेम चीज़ है, इंस्टॉलमेंट पे मैं लिया है। तो जो 750 का मुझे इनका फ़ोन पड़ेगा, वो मुझे इनके हर महीने वे सेम चीज़ है, सेम डाउन डाउन पेमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट भरने कुछ 30-35 डॉलर हर महीने। और बाद में दूसरा फ़ोन मैंने लिया है मेरी मदर का, वो वाला मैंने लिया हुआ है iPhone 14 Plus पर्पल कलर, सेम 128 GB। तो मेरी मदर का जो फ़ोन मैंने लिया है वो मुझे गिरा है ऑलमोस्ट 900 प्लस
प्लस टैक्स लाइक 925 डॉलर का गिरा है, वो प्लस आएगा आईफोन 14 प्लस। और मेरी मदर के पास था जो पुराना वाला, वो था आईफोन 12, वो प्लस नहीं था, वो रेगुलर आईफोन 12 ही था, नॉर्मल वाला, छोटा वाला था उनके पास पहले। तो वो रिटर्न करूँगा तो मुझे उसके कुछ आई थिंक 285 या 300 जैसा मेरे को रिटर्न मिल रहा है, तो वो मेरे ये 900 में से वो माइनस हो जाएगा, तो 600 समथिंग मेरे मदर के लिए मुझे पे करना पड़ेगा, मतलब वो भी इंस्टॉलमेंट पे ही लिया है। तो मतलब तीन फ़ोन का कुछ मेरे को समझ लीजिए कि 120 100 समथिंग डॉलर कुछ एवरी मंथ मुझे पे करने होंगे तीन फ़ोन के लिए। और मेरी वॉच आ रही है, तो मैं जो मेरी वॉच ली है, जैसे कि मेरी ये जो नॉर्मल वाली वॉच है जो लास्ट ईयर मैंने ली थी, आईफोन 7 सीरीज़ है ये, तो इस बार मैंने अल्ट्रा ली है। आप लोगों ने कहीं वीडियो में देखा होगा अल्ट्रा की जो भी नई वाली आई है, वो मुझे गिरी है 899 डॉलर में और प्लस टैक्स। और ये वाली मैंने रिटर्न कर दी है वो लोग को, और ये वाली का मुझे प्राइस मिल रहा है कुछ 150 डॉलर बैक मिल रहे हैं मुझे, नया आई थिंक 3 समथिंग में मैंने लिया था पहले, तो आधे ऑलमोस्ट मुझे वापस मिल रहे हैं। तो ये वाला वॉच एंड हम सबका फ़ोन मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा वो लोग को, और बस ये पैसा कट हो जाएगा, तो 899 की वॉच में से ही मेरा 150 माइनस हो जाएगा। तो सब मिला के इन श्योर आई थिंक एवरी मंथ आई हैव टू पे लाइक 150 डॉलर मुझे पे करना पड़ेगा हर महीने। तो बस कुछ इस तरह से मैंने बाय किया है, और वॉच आएगा तो बस आपको एक झलक ज़रूर दिखा दूंगा, पूरा वीडियो तो एक वॉच पे नहीं बनाना चाहता मैं। और बस आज के वीडियो में यही था, आई एम वेरी हैप्पी, बट मुझे बहुत ज़्यादा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी वॉच के लिए रियली, कि फ़ोन तो चलो ऑलमोस्ट सेम ही है, मुझे पता था कि सिर्फ खाली कैमरा में ज़रूर मुझे काम आएगा, और आई एम सो एक्साइटेड, मैं मेरी वॉच के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग मंथ एंड में देने वाले वॉच, तो ज़रूर मिलूंगा आपको आपको अगले व्लॉग में। और छोटा सा एक वीडियो बना के रख दूंगा मैं वॉच के लिए भी, ज़रूर बताऊंगा मैं आपको वॉच। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो, और मिलता हूँ आपको मैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।